शौर्यो, रुक। क्या है सनी? क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है यार? मेरे डैड ने अनाउंसमेंट क्या कर दी? अब तू मुझसे पूछेगा कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। चुपचाप गाड़ी में बैठ, वरना तुझे भी छोड़ के चला जाऊंगा मैं। क्या कर रहा है? शौर्य, प्लीज शौर्य, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। शौर्य, तुम्हें मेरी कसम है। क्या है मॉम? शौर्य देखो, एक मिनट मेरी। नो मॉम, सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर मैंने उन छोटे लोगों से माफी मांगी, अपनी गलती एक्सेप्ट की, वो गलती जो मैंने की भी नहीं, जो अनइंटेंशनल हो गई। आप अपने घुटनों पे आई थी, मुझसे रिक्वेस्ट किया, मेरे सामने खिड़खिड़ाया, इन अ वे आपने मुझसे बेग किया मो, तब जाके मैंने आपकी बात मानी और मैंने उन लोगों से माफी मांगी। बट फॉर व्हाट मॉम? आप जानती है ना, आई एम दी शौर्य लूथरा, मैं कभी किसी से कोई माफी नहीं मांगता, मेरी लाइफ का रूल है, और आपके लिए मैंने अपना वो गोल्डन रूल तोड़ दिया। सारी दुनिया जानती है कि शौर्य कभी किसी से सॉरी नहीं कहता, पर आपके लिए मैंने वो रूल तोड़ा। क्या कहा था आपने मुझसे? कि जाके सॉरी बोल, डैड तुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेंगे, डैड तुझे अपना बिजनेस दे देंगे, अगर तू सॉरी नहीं बोलेगा तो तू सब कुछ हार जाएगा। शौर्य, अपनी गलती एक्सेप्ट की ना मैंने, सॉरी बोला ना मैंने, देन व्हाट डिड आई गेट मॉम, व्हाट डिड आई गेट? शौर्य देखो, तुमने माफी मांगी तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ नहीं गया, तुम्हें डैड ने कुछ बिजनेसेस तो दिए ना, मिले ना तुम्हें वो, तुम्हारे डैड तुम्हें। मेरे डैड कौन? कौन मेरे डैड? वो द ग्रेट बिजनेस टाइकून करण लूथरा, वो मेरे डैड नहीं है, आज से वो राजवीर के डैड है। और क्या किया उन्होंने आज? मुझे मेरी ही कंपनी में राजवीर का एम्प्लॉय बना के रख दिया। नो, शौर्य देखो, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें जो कंपनीज मिली है ना, उसके हेड तो तुम ही हो ना, राइट? इतनी नादान है मामा, इतने साल आपने करण लूथरा के साथ बिताए और आपने उनसे इतना भी नहीं सीखा। सो फनी, आपको अभी भी समझ नहीं आया कि डैड ने किया क्या है? डैड ने मुझे तीन कंपनीज दी जरूर है, बट वो तीन कंपनी सिस्टर कंपनीज है, उसका मतलब समझती हैं आप? सिस्टर कंपनीज की अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग नहीं होती, वो अपने आप पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हर डिसीजन के लिए उन्हें अपनी कंपनी का मुद्दा पेरेंट कंपनी पे लेके जाना होता है, द मेन कंपनीज। और मेन कंपनीज किसके पास है? राजवीर के पास। इसका मतलब मुझे हर बात, हर चीज के लिए, हर डिसीजन के लिए राजवीर के पास जाना होगा मां। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आखिर वो गलती मानी क्यों, मैंने सॉरी बोला क्यों, गॉड डैम इट। शौर्य देखो, तुम गलत समझ रहे हो, एक बार मेरी बात आराम से काम डाउन हो। नहीं मॉम, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। बहुत हो गया सुनना सुनाना, बहुत हो गया समझना समझाना, आज के बाद मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।